औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन, महबूबे रब्बल मशरिकैनिल मगरिबैन, जद्दल हसने वल हुसैन, अबुल खासिम मोहम्मद। वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्मासूमीन अल्मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ात अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अल वलू। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, मुहिब्बान पंजतन के ज़ेरे एहतमाम, ये अशरे मुहर्रम जो खैसर बाग में होता था उसी का ये सिलसिला है, वही मजालिस ऑनलाइन हो रही है। इतना ये कदीम अशरा, जाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि ये मजालिस इस साल कोविड-19 की वजह से नहीं होंगी, लेकिन जिक्र हुसैन कभी रुक नहीं सकता और पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो है मजालिस हो रही हैं। रिजवी कॉलेज के मजालिस भी उसी अंदाज से हैं, जैनबिया की भी हैं, और ये खैसर बाग अब मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जो बॉम्बे में मजालिस हैं उसी अंदाज से हो रही। दोस्तों, सैड पार्ट तो बहुत है, तकलीफ तो बहुत है सबके दिलों को कि जब फर्श अज़ा पे बैठ के हम मजलिस करते थे, लेकिन आज फर्श अज़ा पे अपने घरों में हमने बिछा लिया फर्श अज़ा, और घरों से ये मजलिसें ऑनलाइन लोग सुन रहे, हजारों की तादाद में मजालिस सुनी जा रही हैं। सुनने वालों को मौला आबाद रखे, सलामत रखे। एक चीज जहन में रखो कि एक साल पूरा गुजर गया, अब नया साल का आगाज हो गया। आज बॉम्बे में चांद नजर आ गया और कल पहली मुहर्रम है, 1442 हिजरा 2020। ठीक है, जब खैसर बाग में होती थी तो बड़ी रौनक थी, हजारों की तादाद में लोग आते थे। इस वक्त भी हजारों की तादाद में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ज़ैनबिया से लोग सुन रहे, ये मजालिस सफीनत नजात पे भी हैं, अली टीवी पे भी हैं। बहरहाल जो जो रिले कर रहा, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। दोस्तों, आज मुहर्रम की वो तारीख, उस महीने का आगाज हुआ कि जिससे बड़ा कोई गम का महीना ही नहीं, इससे बड़ा गम का कोई महीना नहीं है। इस महीने में इस्लाम की तकदीर बदली है। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, डेस्टिनी ऑफ इस्लाम चेंज हुआ है, लिटरली चेंज हुआ है। इसको जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्ट किया, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं किया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन दुनिया जानती है कि इस्लाम की तकदीर बदली 10 मुहर्रम 61 हिजरी को। हम उसी की याद में आज ये मजलिस है। आज की मजलिस मेरी 30-35 मिनट की है, बस एक इंट्रोडक्शन है। कल से मेन अशरा खसरबाग का शुरू होगा, सारे अशरे कल से शुरू होंगे इंशाल्लाह, और आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के एक रिव्यू करना है लास्ट ईयर का, और एक प्लान करना है कमिंग ईयर का। ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए कि जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी इस्लाम की बदली है। क्यों, कैसे बदली? इमाम हुसैन की इस कुर्बानी ने बदला, हुसैन की ये सेक्रीफाइस ने इस्लाम की तकदीर को बदला है। ये मैं नहीं कह रहा, इस वक्त सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा सेंट है, सबसे बड़ा जो सेंट है, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा अजमेरी के जिनको पूरी दुनिया मानती है, आलम इस्लाम के उर्दू स्पीकिंग जितने हैं पूरी सब कॉन्टिनेंट में, सब लोग ख्वाजा के पास जाके सर झुकाते हैं। ये ख्वाजा के जुमले जो मैं आपके सामने पढ़ रहा, मशहूर रुबाई है उनकी, हर मोमिन के दिल पे नक्शे कल हजर की तरह है। इतनी मशहूर रुबाई कि हर फिरका वाला जानता है, जब ख्वाजा के मजार पे जाते हो तो वहां यह लिखा हुआ है। हर आदमी ने इसको माना है, हर आदमी ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि तकदीर जो बदली है ना,
मैंने यूं ही नहीं कहा, हो सकता है कोई लोग कहें पूछे कि इस्लाम की तकदीर कैसे बदली। ख्वाजा अजमेरी करे, आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, ख्वाजा अजमेरी ने क्या कहा इमाम हुसैन, ऐसे जुमले किसी ने नहीं कहे, उन्होंने बड़ा ब्लंटली कहा है, उन्होंने ओपन होके कहा है, वो सेंट है, सेंट हर मजहब का आदमी जाके उनके सर पे, उनकी मज़ार पे जाके सर झुकाता है और दुआएं कबूल होती है। दुआएं उसी लिए कबूल होती है कि वो भी एक आशिक हुसैन था, वो भी एक गुलाम अली था, जिसकी तरफ से आज अल्लाह ने उनको वो इज्जत दी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का हर आदमी अजमेर जाता है। और उनके जुमले हैं जो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के करीब उन्होंने उस वक्त कहा था। सिर्फ जुमले सुने, सबको पता है मैं क्या कहने जा रहा, उनके वो जुमले क्या, शास्त हुसैन कहा उन्होंने, हुसैन शाह वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो हुसैन को बादशाहों का बादशाह कहता हूं, हुसैन उन्होंने कहा शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। फिर जो जुमले वो सुनो, दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन, उन्होंने ये नहीं कहा कि दीन अलग है हुसैन अलग है, कहा हुसैन दीन है, दीनस्त हुसैन, फिर जुमला क्या है, दीन पनास्त हुसैन, दीन को इस्लाम को पनाह देने वाले का नाम हुसैन है, किसी और का नाम हुसैन नहीं। ये अजीब जुमला है दोस्तों, छोटी बात नहीं कही, इतनी बड़ी बात कही कि पूरे इस्लाम को जो पना दी, मैंने जो कहा ना डेस्टिनी बदली, मैंने यूं ही नहीं कहा डेस्टिनी बदली, दीन को ऐसी पना दी, ऐसे पना दी कि अगर करबला माइनस करबला इस्लाम कुछ नहीं है, माइनस करबला इस्लाम वो लिफाफा है जिसमें खतना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, लिफाफा एनवेलप की कोई वैल्यू नहीं होती है, एनवेलप प्लेन एनवेलप की कोई वैल्यू नहीं होती, गार्बेज में पड़ा रहता, लेकिन उसी एनवेलप में अगर 100,000 का कोई चेक आ जाए तो आप सर से लगाएंगे, दिल से लगाएंगे, एहतियात करेंगे, एक दफा चेक निकल जाए तो एनवेलप एक गार्बेज की चीज है। तो इस्लाम वो लिफाफा है जिसमें खतना, अगर हुसैन को माइनस करो, मैं नहीं बोल रहा, ख्वाजा अजमेरी बोल रहे, दीन पनास्त हुसैन, हुसैन ने दीन को पना दी, हुसैन ने दीन को प्रोटेक्ट किया, किसका दीन है, अल्लाह का दीन है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, कुरान की आयत कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन, उसका फेवरेट दीन इस्लाम है, उस दीन को पना देने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले का नाम हुसैन इब्न अली, उनकी शहादत का यह महीना शुरू हो गया। अगर अपनी भी तुम तकदीर बदलना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई अय्याम नहीं, इससे बेहतर कोई डेज नहीं, ये कोई फेस्टिविटी का महीना नहीं आ रहा, ये मॉर्निंग महीना, गम का महीना और कयामत का गम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक नॉर्मल गम है, नहीं, हमको टोटल अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमको अपनी लाइफ को चेंज करना है, आज से ये सोचना है कि हमारे घर में, आपके घर में कोई एंटर हो, मैं बॉम्बे वालों को बोल रहा हूँ और पूरी दुनिया सुन रही मुझे इस वक्त, पूरे डिफरेंट चैनल्स पे मजलिस जारी, पहली मेरी चांद रात की मजलिस का ये मैसेज है, चांद रात की मजलिस, अभी मुहर्रम शुरू है, कल से मुहर्रम है, कल से इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक होगा। तो हमारे घर में अगर आज कोई एंटर हो, आज के बाद तो आपके घर में लोग कोई एंटर हो तो उसको एहसास हो कि इनके घर में कोई गम है, इनके घर में गम हुआ है, इनके घर में मॉर्निंग है, जैसा हर हमेशा घर रहता वैसा घर नहीं रहता। ये फर्स्ट 10 डेज, ये फर्स्ट 10 डेज इस्लाम की तकदीर बदली, कैसे बदली, गम से बदली, मुसीबत से बदली, तकलीफ से बदली, रसूल का घर उजड़ गया, किसी और का घर नहीं उजड़ा, अल्लाह के रसूल का घर उजड़ा, रसूल की बेटी का घर उजड़ गया, और उजड़ा भी कैसा, पूरा घर उजड़ गया, ऐसा उजड़ा कि अब कयामत तक फातिमा का घर कभी आबाद नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चों को यजीद जालिम ने कत्ल किया है। तो यू हैव टू थिंक कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस इमाम हुसैन ने दिया था, कि अगर जैसा मैंने अभी ज़ैनबिया पे बोला और रिजी कॉलेज की मजलिस में वो ये एक जुमला रिपीट कर रहा कि घर ऐसा उजड़ा, इस तरह यजीद ने जुल्म किया कि हुसैन के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उस वक्त यजीद अपने आप को रसूल का सक्सेसर बोल रहा था, इमाम हुसैन ने उस टेररिस्ट के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। करबला एक मैसेज है, करबला बेदारी का नाम है, करबला एक अवेयरनेस का नाम है, करबला घरों में बैठ के खामोश बैठने का नाम नहीं, तुम्हारे जिसमें, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी जिंदगी में एक रिवोल्यूशन आना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए मुहर्रम मत करो, प्रैक्टिस का मुहर्रम मत करो, बल्कि मुहर्रम तुम्हारी लाइफ में चेंज आना। ख्वाजा अजमेरी कहते हैं कि दीन पनास्त हुसैन, किसी के लिए यह जुमला इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा, इस पर किसी ने एतराज भी नहीं किया, बड़े बड़े मौलवियों ने एतराज, मुल्लाओं ने एतराज नहीं किया। ख्वाजा अजमेरी को जाके बोलो, पूछो कि अजमेरी ने क्यों कहा कि दीन पनास, दीन को प्रोटेक्ट करने वाला, दीन को बचाने वाला, दीन को जिंदगी देने वाला, वरना इस्लाम 61 हिजरी में खत्म हो जाता, इस्लाम दफन हो जाता, दफन हो जाता, लेकिन उस इस्लाम को जिंदगी दी है, लाइफ दी है मेरे मौला हुसैन।
तो इसका एहसास रहो, हमारे ऊपर ऐसा एहसान किया। अगर आज मैं घर में बैठ के नमाज पढ़ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहा, तो वह उस हुसैन के खून का सदका है, जो रसूल के नवासे का खून बहाया गया बेगुनाह। उस वक्त सबसे बड़ी बात यह थी कि उस टेररिस्ट के खिलाफ किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ के यजीद को रोके, यजीद को टोके, यजीद को चैलेंज करे। सिर्फ वो रसूल का नवासे ने किया, फातिमा के लाल ने किया। हमको मौला ने मैसेज दिया कि डिप्लोमेसी को छोड़ो। इंशाल्लाह मैं आज हेडिंग्स दे रहा आपको कमिंग अशरे के, ये सारी टॉपिक्स हैं, डिटेल में बोलूंगा जब। तो उस डिप्लोमेसी को छोड़ो जिसको लेके आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि तू भी अच्छा ये भी अच्छा। अच्छा कोई नहीं है, जो हक है वो हक पे बोलना है। इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो ये था कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करो, रिश्तेदारी मत देखो, दोस्ती मत देखो, मरूब मत हो, इंप्रेस मत हो, किसी के पैसे से इंप्रेस मत हो, किसी की दौलत से इंप्रेस मत हो, किसी की शोहरत से इंप्रेस मत हो, किसी ताकत से खौफ मत नहीं खाओ। इतनी बड़ी ताकत को लेकर आया था यजीद, कोई मामूली हुकूमत का मालिक नहीं था। इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बिग पावर, उस दौर का सेकंड बिग पावर का नाम यजीद था। दो बिग पावर्स थे 61 हिजरी में, एक रोम की हुकूमत थी, एक इस्लाम था। रोम में क्रिश्चियनिटी थी, वो बिग पावर था। सेकंड नंबर पे यजीद था। इतनी बड़ी हुकूमत का वो मालिक था, इतनी बड़ी ताकत, किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। यजीद को डायरेक्ट कोई बोल नहीं सकता, इतना बड़ा जुल्म कर रहा था। इसलिए कि उसने कई ऐसे वो हरबे इस्तेमाल किए थे जो उसके बाप दादा की वसीयतों पे वो अमल कर रहा था। मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा, बाप दादा की वसीयतों पे अमल कर रहा था, उसको ताकत का खुमार था, खुमार था ताकत का, दौलत का नशा था। खजानों के मुंह खोल दिया था उसने, लोगों को खरीदना शुरू किया था। तो आज मैं यूथ को यही बोलता, पूरी दुनिया में हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, कभी अपने ईमान को मत बेचो। अगर मिलियंस ऑफ डॉलर भी तुमको ऑफर किया जाए, हर चीज कुर्बान करो। विलायत अली को मत बेचो, आजादारी हुसैन को मत बेचो। ये मुहर्रम का पैगाम है, पहला पैगाम था जो मैंने दिया। अब चारों तरफ से हमले होंगे, चारों तरफ से एतराजात होंगे, तुम डट के रहना जैसा हुसैन करबला में डट के रहे थे। दोस्तों मेरे जुमले गौर से सुनो, करबला में जो लोग जमा हुए थे वो लोग सारे के सारे मौला हुसैन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं थे। फिर बोल रहा हूं, समझ मारी बात, चाइल्डहुड फ्रेंड्स कोई नहीं था मौला का सिवाय हबीब इब्ने मजार के, मुस्लिम इब्ने औसजस सहाबी रसूल 90 ईयर्स के थे। जितने थे वो लोग मौला के बचपने से नहीं थे, ज्वाइन करते गए बीच में। वह कल भी 8 मुहर्रम या 9 मुहर्रम को आया, क्रिश्चियन था आके मुसलमान हुआ। सिर्फ पहला जो मौला हुसैन का, मैं जो बोलता हूं यूथ को ना, क्या सॉफ्ट स्पोकन बनो, अखलाक को पेश करो। अखलाक के जरिए लोग इमाम हुसैन तक आए थे, यजीद के पास अखलाक नहीं था। कैरेक्टर ऑफ इमाम हुसैन को देख कर लोग मुसलमान हो रहे थे, इमाम हुसैन के हाथ पे लोगों ने बैत की। मौला हुसैन ने मदीने से जब 28 रजब 28 रजब 60 हिजरी में चले करबला पहुंचे तक, मौला ने हर जगह अपने उनके सरमंस मौजूद, जो बस्ती देखते थे ठहरते थे। हुसैन जानते सब थे फरजंद रसूल, आखिरी रसूल का बेटा, इमाम खड़े रहे कि अपने मकसद को पेश करते। इवन मौला हुसैन ने शबे आशूर, आप देखो हुज्जत कैसे तमाम किया, शबे आशूर एक एक से पूछा कि तुम क्यों है, चले जाओ, तुम चले जाओ। आज भी यजीद सिर्फ मेरे सर के लिए आया, यजीद को मेरा सर चाहिए, यजीद को मेरी जान चाहिए, मैं सबसे बायत उठाता हूं, तुम लोग चले जाओ, कोई नहीं गया। तो हुसैन ने और हुज्जत को क्या तमाम किया, जो चिराग था उस जमाने की, जो लाइट थी, आज की तरह लाइट नहीं थी, मैं हिस्ट्री का स्केच पेश करूं, चिराग था, उस चिराग को मौला ने गुल किया, पुट ऑफ किया, अंधेरा कर दिया। कहा अगर मेरे सामने जाना नहीं चाहते तो अंधेरे में चले जाओ, मैं कोई बुरा नहीं है, सिर्फ यजीद मेरे लिए बैठा। इमाम हुसैन को ताकत जमा करने की जरूरत नहीं थी, हुसैन खुद एक ताकत का नाम है। हुसैन, मेरे चुपले गौर से सुनो, हुसैन खुव्वत परवरदिगार का मजर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, खुव्वत परवरदिगार का मजर है, अली का बेटा है। अब हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार थी,
अकेले हुसैन पूरी फौज से लड़ सकते थे, और किया मौला ने। इसीलिए आज हुसैन का सबर मशहूर नहीं है, जबकि जवान बेटे की मैयत उठाई, करबला में लाशें उठाई, इमाम हुसैन के नाम के साथ शुजाअत है, ब्रेवरी है, कि हुसैन की शुजाअत मशहूर है, सबर अमीर अल मोमिनीन मशहूर है। लफ्ज सबर मरबूत हो गया अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम के साथ। मौला हुसैन का सबर नहीं, हम समझ रहे मौला हुसैन का सबर नहीं, सबर नहीं, उनकी शुजाअत। ऐसी जंग की थी, ऐसी जंग की थी कि यजीद का लश्कर कूफे की दीवारों से टकरा रहा था, यजीद के लश्कर से आवाज आ रही थी अलमान अल हफीज के हुसैन तलवार को रोक लो, कहर इलाही जारी हो गया था। मौला हुसैन की जो तलवार चल रही थी ना, हमीद जो राइटर था, नरेटर है करबला का, वो कहता था कि हम बुलंदियों पे गए, ऊंचाई पे गए कि देखे कि हुसैन की तलवार, मेरी तरफ देखो हुसैन की तलवार कैसे चल रही। तो मौला हुसैन जो तलवार चल, दो हाथों से तलवार चला रहे थे, इस तरह सर्कल चल रहा था, ऐसा सर्कल चला रहे थे, इसलिए कि यजीद ने ये डिसाइड, उमर साद को शिविर ने ये कहा था, ये अली का बेटा है, इससे ऐसे जंग नहीं होगी, तीर चलाने वालों को अलग कर दे, अभी मसाद पे मैं नहीं आया, नजे चलाने वालों को अलग कर दे, तलवार चलाने वालों को अलग कर दे, और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी झोलियों में पत्थर पड़ जाए, सबको बोले एक साथ हमला कर। लश्कर को तकसीम किया गया, बांटा गया, बांट के हर तरफ से हमला हुआ। उस वक्त हमीद कहता है कि इमाम हुसैन ऐसी तलवार चला रहे थे कि तलवार एक सर्कल की सर्कल कर रही थी तलवार, और उससे कहता है आजाए जिसमें इंसानी कटकट के जमीन पे गिर रहे थे। ये फातिमा के लाल की जंग, मैंने एक नक्शा गंजा खा ली, आशूरे की मजलिस में बताऊंगा। ये लश्कर भाग रहा था कूफा, करबला से कूफा आज भी 70 माइल्स के ऊपर है, एक रिवाज है कि 120,000 की फौज थी, 120,000, आज का पॉपुलेशन नहीं। यजीद को हवस थी, शहर के शहर खाली कर दिया था उसको, इतना बड़ा फौज थी, और आया कितने लोगों के सामने, 72 के सामने। ख्वाजा अजमेरी ने यूं ही नहीं कहा कि दीन परास्त हुसैन, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम हुसैन, ये एहसान फरामोश है वो लोग जो मौला हुसैन की कुर्बानी को नहीं मानते। तुम मानो या नहीं मानो, हुसैन कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है, कल भी हुसैन, तुम्हारे एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता। मैं एक स्केच खींच रहा, यूथ को बता रहा कि यू शुड अंडरस्टैंड कि यू आर सो लकी कि तुम फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन हो। हमारे दिलों में मोहब्बत है हुसैन है, अपनी माओ के हक में दुआ करो, अपने बाप के हक में दुआ करो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको हलाल तरीके से खिलाया, माँ ने तुमको पाकीजा तरीके से रेस किया, तो तुम आज आजादारी हुसैन कर, आजादारी हुसैन बख्शिश का सहारा है। अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी शफ़ात अल हुसैन, किसी माँ हर मासूम शाफी है, गलत नहीं समझ, हर मासूम शाफी है, हर मासूम का नाम अगर हमारे कफन पे आ जाए तो हमारी बख्शिश हो जाए, लेकिन सिर्फ मौला हुसैन के लिए कहा। तेरा मस अल्लाह के रसूल शाफी रोजे महशर है, शहजादी कौन है, मादर हसनैन, नाम ही फातिमा इसलिए रखा कि जहन्नम से एक बहुत बड़े ग्रोह को जन्नत की तरफ लेके जाएंगी। मौला मुश्किल कुशा कसीम नारे व जन्ना है, इमाम हसन सैयदा शबाब अहले जन्ना, लेकिन यह जुमला सिर्फ इमाम हुसैन के लिए, अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी शफ़ात अल हुसैन, अगर तुम शिफात चाहते हो, प्रोटेक्शन चाहते हो, बख्शिश चाहते हो, तो सिर्फ हुसैन की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। बार बार मैं बोल रहा कि कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम हुसैन नहीं, ख्वाजा अजमेरी ने यूं ही नहीं कहा, मेरी पूरी मदरसी इसी पे निकल गई, ख्वाजा साहब ने यूं ही नहीं कहा, ख्वाजा साहब कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं थी, ख्वाजा कोई मामूली इंसान नहीं था आपकी मेरी तरह, ख्वाजा अजमेरी का नाम है। आज सोचो 200 साल से उनके मजार पे जाके लोग दुआएं मांग रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल हो रही, अगर कोई दुआ कबूल नहीं होती तो कोई जाता भी नहीं। तुम इससे अंदाजा लगाओ गुलाम हुसैन के मजार से जब हो सकता, क्या बोल रहा यार, एक गुलाम हुसैन की लहर से मरने के बाद ये अता हो सकती, तो फातिमा का लाल तो फातिमा का लाल है, हुसैन तो हुसैन है। आप सोचो मैं क्या बोल रहा,
ख्वाजा अजमेरी ने कहा ना, दीन पनास हुसैन, हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। उसके बाद का जुमला सुनो, पूरा करबला यजीद को उन्होंने बता दिया कि यजीद क्या था, उसका किरदार क्या था और हुसैन का किरदार क्या था। फारसी के शेर है। उसके बाद कहते हैं सरदार नदार दर दर दस्ते यजीद। क्या मतलब है इसका, सरदार नदार दर दर दस्ते यजीद, के हुसैन ने सर दे दिया लेकिन हाथ में हाथ नहीं दिया, बायत नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जालिम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यही मैसेज 1442 हिजरा मुहर्रम की चांद रात की मजलिस का है कि जालिम से कभी तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये करबला का मैसेज है, जालिम के चेहरे से नकाब को उलट के बोलो तू जालिम है मैं मजलूम। ये कैरेक्टर को पैदा करो, यू डोंट नीड टू वरी, तुम परेशान मत हो, बचाने वाला हुसैन इब्न अली है। अगर हुसैन किसी को बचा ले तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। जो मर्जी हुसैन है वो मर्जी खुदा है। मैं यूं ही नहीं कह रहा मर्जी हुसैन मर्जी खुदा बोलेंगे, इतनी बड़ी बात, सूरह दहर कुरान का मशहूर सूरह कि जिसमें अल्लाह ने मौला अली शहजादी कौनैन मौला हसन मौला हुसैन को प्रेस किया, शुक्र अदा किया, शुक्रिया अदा किया। सिर्फ ये तो मासूम है, लेकिन अल्लाह ने इस सूरह में उस कनीज का भी शुक्रिया अदा किया जो चंद साल फ्यू इयर्स बीवी के साथ रहकर उस स्टेज पे पहुंच गई कि अल्लाह इस सूरे में कहता मैं मशकूरा हूं तुम्हारा। ये वो कनीज है कि जो घर में बैठ के जन्नत से खाना मंगाए, यार इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास। उसी सूरे की आयत है वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, क्या अहले बैत रसूल तुम कुछ चाहते नहीं जो हम नहीं चाहते। इसी के ऊपर छठे इमाम का जुमला है कि नहनो मशियत अल्लाह, हम अल्लाह की मशियत है, जो अल्लाह चाहता वो हम चाहते, जो हम चाहते वो अल्लाह चाहता। ये है हुसैन इब्न अली। सोचो मैं क्या बोल रहा, कि ये कितनी बड़ी बात है कि इमाम हुसैन ने तुमको स्टेज पे पहुंचाया, मौला हुसैन ने तुमको हमको चुना, हमको मौला हुसैन ने चुना। हुसैन की ताकत कम है, हुसैन किसी और को भी चुन सकते थे। ये तो शुक्र अदा करो, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट रात है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और पढ़ लीजिए बाबा से मोहम्मद। ये तो शुक्र अदा करो कि मौला हुसैन ने हमको चुना। मुहर्रम आ गया, बस आखिरी खजाज आखिरी हिस्से में चले जाओ। क्या कहा, सदा नदा दर 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 दस्ते यजीद। अब का जो जुमला है दोस्तों, अब इसके बाद तो कोई ताकत ही नहीं है, कोई समवो ही नहीं कर सकता कि हुसैन की ताकत क्या है, हुसैन का कंट्रीब्यूशन क्या है, हुसैन का एहसान क्या है। हर मुसलमान को झिंझोड़ के कहा है ख्वाजा अजमेरी, उनके कॉन्शियस को हिला के कहा है। ये जो आखिरी मिसरा है इनकी रुबाई का, ये तो एंड है कि मंजिलत हुसैन को उन्होंने बताया। आखिरी में क्या कहा, हक्का के बिना लाई लास्ट हुसैन। आज पूरी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है ना, यही कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, बेहतरीन कलमा हमारा, पूरी दुनिया कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा अजमेरी ये कहते कि हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक तो ये है कि बिना ला इलाहा हुसैन हो गए। अब 124,000 नबियों की मेहनतों को बचाने वाले का नाम हुसैन इब्ने अली। 60 हिजरी तक इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा का था, 61 हिजरी से खयामत तक इस्लाम अब हुसैन इब्न अली का इस्लाम हो गया। अब तो एहसान को मानो, हम शुक्र अदा करें। आज की बहुत इंपॉर्टेंट रात है, साल का पूरा एक साल कंप्लीट हो गया, नए साल का गम के साल का। नया साल का मतलब ये नहीं है कि नया साल सेलिब्रेट करो, हमारे पास सेलिब्रेशन नहीं है, हमारे पास मॉर्निंग है, कोई सेलिब्रेशन नहीं। सेलिब्रेशन ये किसी और के पास सेलिब्रेशन होगा, हमारे पास मॉर्निंग डेज है। गम का आगाज हो गया, मुसीबत का आगाज हो गया। हम सेलिब्रेट कैसा करेंगे, जिस महीने में जिस मास में फातिमा का घर उजड़ जाए, सेलिब्रेशन है, कयामत है, रोजे मैशर अल्लाह को सूरत बताना है, अल्लाह के रसूल को सूरत बताना है, एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम्हारे अमाल अल्लाह के रसूल कबूल करवाए। तो शाफी मैशर रसूल है, खातून जन्नत फातिमा है,
खसीम नारे व जन्ना इमाम अली है, मौला हसन है। अगर तुम उनका गम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी शिफात होगी? क्या तुम अपनी नमाजों को लेके जाके बोल सकते कि अल्लाह मेरी नमाजों के जरिए मुझे जन्नत में भेजे? जब तक मासूमीन की शिफात ना हो कुछ मिलने वाला नहीं। ये याद रखो, ये वो महीना शुरू हो गया। बस दोस्तों, शब जुमा मुहर्रम की पहली शब जुमा है। सिर्फ अपने लिए दुआ मत करो, एक साल में कितने मोमिनीन दुनिया से गुजर गए, कितने हमारे चाहने वाले मौला हुसैन के चाहने वाले चले गए। ये हमारा अकीदा, ये मासूमीन के इशादात। उलमा कहते हैं कि जितने अजादार हुसैन मरते हैं वो लोग वहां पर अजादारी करते हैं। हुसैन का गम सिर्फ जमीन पर नहीं है, हुसैन का गम जमीन और आसमान पर है। हमारी आंखों के सामने पर्दे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितनी बड़ी नेमत मिली है। आज शुक्र अदा करो अल्लाह का कि एक साल तुम्हारा सेहत के साथ गुजर गया। ये शुक्र अदा करो, प्लीज बोल रहा, गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, कि ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी रहमत दे दी कि मुहर्रम सेहत के साथ मिल गया। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं कोविड के, कितने ऐसे बीमार हैं, बीमारी हमारे पास भी आ सकती थी, लेकिन मौला हुसैन के करम से, मौला हुसैन के करम से तुमको सेहत के साथ इस कोविड से भी बचा लिया, वरना ये बीमारी के हमारे पास नहीं आ सकती थी। इंशाल्लाह इसकी डिटेल कोविड की सुनना, मेरा अशरे में काफी आएगा। ये बीमारी हमारे पास भी आ सकती थी, ये वबा हमारे पास भी आ सकती थी, कोई कोई रोकने वाला है? ये तो फिजा में आ गई, हवा में आ गई, तो किसी को भी हो सकता था। लेकिन अगर तुम बचे हुए हो, अगर तुम प्रोटेक्टेड हो, तो ये फर्जंद जहरा का सदका है। इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, फर्जंद जहरा का सदका है जो आज हम बचे हुए। अगर मौला हुसैन का करम, इमाम जमाने का हमारे ऊपर करम ना, तो हम आज, हमारे पास ये वबा आ जाए। अब बोल के नहीं आ रही, बता के नहीं आती, नीचे जाओ और हाथ मिलाओ और लेकर आ जाओगे। अगर तुम्हारे बच्चे बचे हुए, तुम्हारी औरतें बची हुई, तुम प्रोटेक्टेड हो, तो ये शुक्र करो और मुहर्रम कम से कम चैन से करो। अगर आज इमाम बारगाह बांधे तो डजंट मैटर, इमाम बारगाह बांधे तो रेस्पेक्ट करो, जो गवर्नमेंट बोलती है उस पर अमल करो, जो जो डॉक्टर्स तुमको एडवाइस करते हैं उस पर अमल करो। कोई जरूरत नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेना, अपने घरों में बैठकर आजादारी करो। यही तो कमाल है कि हुसैन की आजादारी के लिए, हुसैन की आजादारी किसी चीज की मोहताज नहीं है। समझ में आई बात? मैं यूथ का बोल रहा कि हुसैन की आजादारी मोहताज है, तुम घर में मातम करो, मातम ही करना है ना, मजलिस करना है ना, तो घर में करो, हर घर में बॉम्बे के, और जहां जहां ये मेरी मजलिसें सुनी जा रही पूरी दुनिया में, मैं सबको बोल रहा कि अपने घरों में मजलिस करो, हर रोज मातम करो घर में। एक अकेले हो तो मातम करो, फैमिली है तो उसके साथ मातम करो, अपने बच्चों के साथ आजादारी करो। ये नहीं कि ये साल तुमने बच्चों को भुला दिया, बच्चों को याद ही नहीं है कि मुहर्रम भी कोई चीज थी, जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ बोलो कि बिकॉज हम बाहर नहीं जा सकते, पब्लिक में नहीं जा सकते, बच्चों को भी मालूम है स्कूल बंद है, बच्चों को मालूम है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो तुम्हारा फर्ज है। हर घर में बोल रहा, अगर तुम ये चाहते कि बीबी जहरा की दिल की दुआ लो, इतना बड़ा जुमला बोल रहा इस चैनल जैनबिया के थ्रू, और कि बीबी जैनब की, शहजादी कौनैन की दिल की दुआ लेना चाहते, तो अपने घरों में मजलिस करो। एक नोहा पढ़ो, लेकिन पढ़ो फॉर्मेलिटी का नहीं कि नोहा चल रहा मैं कोई और काम कर रहा, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि नोहा पढ़े तो प्रॉपर खड़े रह के नोहा पढ़ो, मातम करो, इसलिए कि गम के दिन शुरू हो गए। घर का माहौल को बदलो, बच्चे पूछे, मासूम बच्चे पूछे कि घर का माहौल क्यों बदल रहा, टीवी क्यों बंद है, तुमको बताओ कि ये मॉर्निंग डेज है हमारे, मुहर्रम इज स्टार्टेड, बच्चों को काला लिबास पहनाओ, वो पूछे व्हाट ब्लैक ड्रेस, तो बोलो ये मॉर्निंग ड्रेस है, मुहर्रम शुरू हो गया। उनको बार बार नैक करो, बोलो मुहर्रम 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 मुहर्रम, क्यों? इसलिए उनको मालूम होना, उनके कॉन्शियस में यह बात रहना, आज तुम है, आज तुम है, कल नहीं रहोगे, तो यही बच्चा आजादारी हुसैन करेगा। अगर तुम भूल जाओगे, कुछ नहीं करोगे, पैसे के नशे में, बिजनेस में लगे हुए, हमको मुहर्रम ठीक है यार, मुहर्रम तो इमाम बारगाह जाना नहीं है, घरों में बैठ के कौन करेगा? नो, अगर तुम्हारे घरों में मजलिस नहीं होगी, पढ़ना नहीं आता, 1000 मौलाना लोगों की मजलिस है, 1000 नौहे खानों की नौहे, सबके पास स्मार्टफोन है, हर आदमी घर में स्मार्टफोन से नोहे निकालो और मजलिस करना तो प्रॉपर खड़े रह के करो, 10 मिनट दो यार, 10 मिनट खड़े रह के एक नोहा करो, मातम करो, तो जो तुम्हारे घर के मासूम बच्चे
वो पूछेंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो बोला बिकॉज वी कांट गो, हम इमाम मरकज नहीं जा सकते, तो घर में कर रहे हैं, या मुहर्रम शुरू हो गया इसलिए हम कर रहे हैं। उनको बताओ, मैं उन माओं को बोल रहा हूं, उन खवातीन को बोल रहा हूं, बॉम्बे की औरतों को बोल रहा हूं, कि जिनके बच्चे सिट विद योर किड्स, सिट विद योर किड्स एंड टॉक टू देम अबाउट इमाम हुसैन, स्मॉल स्मॉल स्टोरीज बनाओ, जनाब अली अकबर का जिक्र करो, जनाब आनो मोहम्मद का जिक्र करो, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर आज तुम्हारी हेल्थ है, सेहत है, पैसा है, घर है, जिंदगी चल रही तुम्हारी, बिजनेस चल रहा, तो जस्ट बिकॉज आई इमाम हुसैन, याद रखो अगर मैं रोटी तोड़ा, मेरी सेहत है, मेरी इज्जत है, बोलने की ताकत है, तो फातिमा के लाल का सदका है, मेरी कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह ने ताकत दी है हुसैन के करम से हमको ताकत। चलो आज पढ़ ले मोहम्मद वाले, बस दोस्तों मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया, तो आज की रात शुक्र अदा करने की रात, कहेगा शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने तुमको सेहत के साथ एक साल गुजारा, कमिंग ईयर भी तुम्हारी हेल्थ के साथ गुजारा, एक नजरे करम है मौला हुसैन होगी, एक नजरे करम होगी इमाम हुसैन की, तो कमिंग ईयर पूरा तुम्हारा सेहत के साथ जाएगा। कल से इंशाल्लाह मेन टॉपिक पे आऊंगा, कल से जो जो मैंने आज बोला है इसको एलाबोरेट करूंगा मेन टॉपिक्स की। आज तो मैंने हेडलाइंस दी और आज की मजलिस 35 मिनट की, कल इंशाल्लाह ठीक 11:15 पे मेंबर पे आऊंगा, सफीनतुल नजात, अली चैनल, ज़ैनबिया चैनल, जितने चैनल्स पे, इसलिए कि वी आर हेल्पलेस, ऑनलाइन ही मजलिसें हो रही, अच्छी बात है, हर आदमी पूरी दुनिया बैठ के सुन रही, पहले तो ऐसा था कि बाहर खड़े रहते थे, नहीं गलत बोल रहा, बॉम्बे वाले नहीं खड़े रहते थे, मैं बोल रहा है नहीं यार, बॉम्बे इज माई सेकेंड होम, आई कांट से दिस, लेकिन अब तो सब घर में बैठ गए, सब औरतें भी बैठ के सुन रहे, मर्द भी बैठ के सुन, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के सुनो मजलिस, जिसके घर में मजलिस होगी, जिस घर में तुम लोग रोज नहीं कर सकते ना, अगर तुम लोग मजलिस घर में बैठ के लगाओ, दो आंसू निकले तो तुम्हारे घर में मजलिस हो गई, दिन भर में अगर 4-5 मजलिसें तुम लोग सुन रहे, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि घरों में बरकतें होगी, हर घर में आज मिंबर सज गया, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हर घर में ऐसा खाने सजाए गए, अलम मुबारक सजाए गए, मिंबर सज रहे, ये सजाना, ये बच्चों से अलम इस्ताद करवाना, बच्चों से मिंबर को सजवाना, कि बच्चों को आदत हो आजादारी की, मैं क्या बोल रहा यार, उनको आदत हो, आज तुम है कल मर जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे करेंगे ये आजादारी, हर बच्चे से तुम्हारे घर में अगर बच्चे हैं, बच्चों को बोलो वजू करो, और माँ लाए अलम लाए, बोले बेटा यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बच्चा पूछेगा 1000 सवाल करेगा, तो यू कैन आंसर कि ये मुहर्रम शुरू हो गया हमारा, 1442 हिजरा का मुहर्रम, इस तरह से गुजारो कि कोई बात नहीं है, अगर घरों में कोई मुश्किल नहीं, घर में आजादारी करो, क्यों आजादारी करो घर में, हुसैन कोई एक जगह का नहीं है, हुसैन इंसानियत का इमाम है, हुसैन हर इमाम, हर इंसान का इमाम, जिसके सीने में दिल है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जिसके सीने में दिल है उसका इमाम हुसैन है, जो बेहिस है, जिसके पास कुछ नहीं है, एक जानवर की तरह जिंदगी गुजारा, उसका हुसैन नहीं, इंसानियत के इमाम का नाम हुसैन है, पीस के इमाम का नाम हुसैन है, शराफत के इमाम का नाम हुसैन, बस आज की रात इंपॉर्टेंट रात है, ज्यारत इमाम हुसैन जरूर पढ़ना आज की रात, डोंट मिस इट, आज शबे जुमा भी है, ये नियत करो कि एक साल में जितने बॉम्बे में और पूरी दुनिया में मरहूमीन थे और गुजर गए, खैसर बाई का नाम भी जरूर ले, जिस मोमिना ने ये इमाम बारगाह दिया, जिस मोमिना के तरफ से ये मजलिसें होती, डोंट मिस इट, खैसर बाई भी तुमको दुआ देंगे, एक चीज याद रखो, मैं बहुत इंप्रेस हूं इस खैसर बाई से, उस मोमिना का खुलूस था सर, वो पायस थी, वरना कितने लोग आए और चले गए बॉम्बे में, कितने आए और चले गए, आज उस मोमिना का नाम सिर्फ इसलिए बाकी कि उसने पता नहीं किस खुलूस के साथ जिंदगी गुजारी थी, किस खुलूस के साथ इन मजालिस की बानी बनी थी, कि मर के इतना साल हो गए आज तक खसर भाई का अकाउंट खुला हुआ है, जब भी मुहर्रम आता है अशरे, वो भी मेन अशरा, मेन अशरे में बॉम्बे के पहले अशरे में उनके नाम की मजलिसें होती है, अगर आज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना हो तो जितने बॉम्बे के मरहूमीन है, जितने बानियान मजलिस के वालिदैन है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में
उनका भी नाम लो, तुम्हारे बॉम्बे की खसर भाई का नाम भी लो कि मैं उसके नियाबत में ज्यादा इमाम से पढ़ा, देखो फिर वो दुआ करेगी तो तुम्हारे हालात सही होंगे। मैं कोई लंबा होमवर्क नहीं दे रहा, रोज दुआएं दूंगा इंशाल्लाह, जो एक तरीका है पढ़ने का। लेकिन आज शबे जुमा है, मरहूमीन की तरफ से जरूर पढ़ो। आज पहली जुमेरात है, पहली जुमेरात। ये जुमेरात फिर एक साल के बाद वापस आए, ये दुआ करना, जैसे ये दुआ करना के मौला ये जुमेरात मैं आपकी ज्यारत पढ़, मुझे एक साल का प्रोटेक्शन देना मौला। कितनी भी बलाएं आए, कितनी भी वबाएं, हमको सारे इंसानों को प्रोटेक्ट करो और हमको प्रोटेक्ट। आपका बिजनेस ग्रो, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, ये नहीं कि मेरा ही बिजनेस हो जाए, मेरी जॉब सही रहे, पूरों के लिए दुआ करो, आजादारी की हिफाजत के लिए दुआ करो। और ये ज्यारत जमाने के इमाम को आज हदिया करना, इसलिए कि वारिस गमे हुसैन इमाम जमाना है। आप क्या समझ रहे, अगर आज आपका दिल दुख रहा, आपका दिल दुख रहा कि अजाखाने बंद है, तो क्या इमाम का दिल नहीं दुख रहा? 100% इमाम भी रो रहा। जब इमाम बारगाह में रौनक होती, मस्जिदों में रौनक होती, तो इमाम भी खुश होता, इतने अजादार मेरे बाद मेरे जद के आए। आज अगर इस वायरस की वजह से कुछ मजबूरी है, अल्लाह बेहतर समझता, तो आज इमाम भी रो रहा। तो जमाने के इमाम कर उनकी वालिदा को जरूर हदिया करो, बीबी नरजिस खातून के साथ बीबी हकीमा खातून को भी हदिया करो। माशाल्लाह अल्लाह को सामने की ज्यारत नसीब करे। ये दोनों बीबियां वहां पर बड़ी पाक और पाकीज़ा, एक इमामजादी है बीबी हकीमा खातून, इमाम की बेटी है, इमाम की सगी बहन है, इमाम की फूफी है, इमाम की दादी है। चार रिश्ते इमाम से, बहुत बड़ी रेडी, दुआओं के लिए बहुत बड़ा वास्ता है ये भी। तो आज की ज्यारत में दो बीबियों का, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम पे लाखों सलाम, वो तो उनका मकाम अलग है। 14 मासूमीन को हदिया करना, 14 मासूमीन को, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम को, और करबला की सारी बीबियों को हदिया करो, फिर देखो यार तुम्हारी तकदीर बदलती कैसे। जनाब रबाब, जनाब लैला, जनाब उम्मे फरवा, जनाब शहरबा, कि जिनकी गोदियां उजड़ी हैं इस महीने में, जिनके बच्चे इस महीने में आशूरे में शहीद हुए। जनाब लैला ने वो कुर्बानी दी जनाब अली अकबर की, जनाब रबाब ने दो कुर्बानियां दी बीबी सकीना की, शहजादे अली असगर की, बीबी उम्मे फरवा ने शहजादे कासिम की, और हसन ने शहजादे अब्दुल्ला इब्ने हसन की कुर्बानी दी, और बीबी शहरबानों ने चाहते इमाम के कुर्बानी। चार बीबियों को यह हदिया करो, गिफ्ट करो, उनकी नियाबत में आज की रात ज़ियारत पढ़ो। अब एक साल का तुमको प्रोटेक्शन चाहिए, बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून को जरूर हदिया करो। और ये बोलो कि आप माँ, आप इमाम ज़माना को बोल के हमारे हालात को सही करो, इस वबा से बचाओ, इस वायरस से बचाओ, जॉब का प्रोटेक्शन, हेल्थ का प्रोटेक्शन, और ये सारी ज़ियारत अपने मरहूमीन के लिए हदिया करना। फ़ज़ूल जितने मरहूमीन है सबके माँ, मेरे माँ बाप को नहीं भूलना, सबके लिए हदिया करो। और ये साल जितने मौला के चाहने वाले इनका इंतकाल हो उनके लिए, उसके बाद देखोगे कल तुमको मिलता क्या। ये मैं थोड़ी बोल रहा, इतने लोगों की दुआ किसी एक की तो दुआ कबूल होगी, किसी एक मरहूम की भी दुआ लग जाए, अरे खैसर भाई की दुआ ही लग जाए तो तुम तो बेड़ा पाओ। इसलिए कि आप क्या समझ रहे ये मोमिना कहाँ होंगी, ये शहजादी कौन के करीब होंगी। इमाम हुसैन किसी का रखते नहीं। इंशाल्लाह इन मजालिस में एक वाकया आएगा, कल से जो मदीसे है इंशाल्लाह खसर बाग की, उसमें एक वाकया पढ़ूंगा कि अगर तुम माँ काम करोगे इमाम हुसैन के लिए, ज्यारत पढ़ोगे, मेरे जुमले गौर से सुनो, ज्यारत पढ़ोगे तो शहजादी कौन है तुमको तुम्हारी लहर से अपने पास बुला लेते कि तू मेरे बच्चे की ज्यारत पढ़ता था। बस अब सारे मरहूमीन, जितने मरहूमीन गुजर गए उनके लिए, खैसर भाई के लिए, और आज जिसकी पहली रात है उसके लिए एक बाबा से बलंद सलवात पढ़ो। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, 12 बज रहे, मुझे खत्म करना 5 मिनट। आप लोग जहां भी बैठे हुए, अगर सोफों पे बैठे हुए, चेयर्स पे बैठे हुए, शूज पहने हुए, चप्पल पहने हुए, प्लीज रिमूव योर शूज एंड चप्पल एंड सिट प्रॉपरली नाउ। जब से मैं ऑनलाइन मदरसे में पढ़ा, मसाहिब से पहले मैं ये जुमले जरूर बोलता हूँ कि अब सिट प्रॉपरली, अब पैर पे पैर डाल के बैठने का वक्त नहीं है, अब ये सोच के बैठना है कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया, मुहर्रम का चांद नजर आ गया। दोस्तों कितना इंतजार था मुहर्रम का, जब 8 रबीउल अव्वल गुजरी थी उसके बाद ये दिल को में था कि हुसैन कब आएंगे,
अब सारे पूरी दुनिया के हर शहर में हुसैन का चर्चा है, हर घर में यही आवाज के हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। वो करबला का भूखा, वो करबला का प्यासा, मौला हुसैन अकेले नहीं आए, उनके साथ पूरे शोदाए करबला है, उनके साथ पूरी बीबियां है। लैला आई है तो अली अकबर भी साथ है, रबाब की गोद में अली असगर भी, हाथ पकड़ी हुई सकीना भी, मौला अब्बास भी, शहजादी उम्मे कुलसूम भी, उम्मे फरवा के साथ करबला का दूल्हा भी, और वो कुनबे की रोने वाली बीबी जैनब भी हमारे साथ। दोस्तों, जब चांद मुहर्रम का शहजादी जैनब ने देखा था, रास्ते में रुके हुए थे, कोई जैनब के दिल से पूछे, सीधा आंखों को ज़ियारत पढ़ के दुआ करके अली अकबर के चेहरे को देखा था और कहा था कि हाय बेटा अली अकबर। लेकिन हाय, वो वक्त गुजर गया। कोई बीबी के दिल से पूछे कि बीबी ने किस तरह से करबला के इस आजादारी की हिफाजत की, अगर उस वक्त बीबी जैनब आजादारी नहीं करती तो आज हमको सलीखा नहीं मिलता। ये मजलिस का सलीखा जो आज हम बैठ के कर रहे हैं, वो बीबी जैनब का करम। दोस्तों, मसाहब तो कल से, जो मुहर्रम के मसाहब होंगे वो कल से सुनना। आज मजलिस में उस बीबी का मैं जिक्र कर दूं जो कुनबे की रोने वाली है। मैंने एक जुमला कहा, कुनबे की रोने वाली समझे आप, हर शहीद पे रोने वाली का नाम जैनब है। ये वो बीबी है कि जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, हर माँ ने अपने बच्चों, नेचुरली माँ ने बच्चों का मातम किया, लेकिन ये वो माँ है कि जो बच्चों को जब रुखसत कर रही थी तो ये जुमला बोला था कि बच्चों लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना, सकीना प्यासी। और बच्चे भी जैनब के बच्चे थे, जब घोड़े से जमीन पर आए और इमाम हुसैन पहुंचे तो थोड़ी सी जान बाकी थी तो बच्चों ने इतना ही पूछा था कि आखा ये बताओ हमारा रुख किधर है, तो इमाम ने कहा था बच्चों तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है। तो बच्चों के आखिरी जुमले इस दुनिया से जाने से पहले कि आखा मम्मा से कह देना हमने नहर का रुख नहीं किया। ये वो जैनब के बच्चे है दोस्तों, जो दिल में तुम्हारी दुआ है बीबी जैनब के बच्चों से मांग रहे। इंशाल्लाह जब शहजादे ओनो मोहम्मद की शहादत पढ़ूंगा तो उस वक्त मैं एक वाकया पढ़ूंगा कि कैसे आज भी ओनो मोहम्मद से कोई मांगे तो कैसे कैसे थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी उससे लोगों को नजात हुई। ये बीबी जैनब के बच्चों, ये भी मुश्किल कुशा के नवासे। ये वो माँ के जब लाशें आई तो लाशों के दरमियान शुक्र का सजदा करके कहा कि परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर और मेरे भाई को बचा ले। लेकिन जैनब देखती रही, हुसैन के गले पे खंजर चल गया। बस एक रिवायत पढ़ के मैं जहमत को तमाम करूं। बीबी जैनब की जो मुसीबतें थी ना, मुसीबत हर मुसीबत कयामत की थी, कोई मुसीबत छोटी बड़ी नहीं है। लेकिन जरा उससे पूछो, जब कोई अपना चाहने वाला, कोई अपने घर में काम करने वाला कनीज के सामने अगर कोई जाए तो दिल पे क्या गुजरती। दोस्तों, बस एक दो मिनट का वाकया और मजलिस को मैं तमाम कर रहा। आज ऐसा पुरसा दो कि आज पहली मजलिस है ना शाम, इसकी चांद रात की खैसरबाग की पहली मजलिस है, तो ऐसा पुरसा दो कि बीबी तुमको आज दुआ दे कि पूरा मुहर्रम हम पीसफुल तरीके से आजादारी करते हुए सेहत के साथ गुजार दें। दोस्तों, बस एक रिवायत शहजादी जैनब की मुसीबत की, इसी पे मैं मजलिस तमाम कर रहा। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे से आगे बढ़ा, पर दो मिनट में आप तड़प के रहेंगे, दो मिनट में कूफे से आगे बढ़ा तो एक ऐसे रास्ते पे जाके रुका कि जहां जाकर जालिम शिमिन ने आके उमर साहब से कहा कि उमर साहब आगे का रास्ता अच्छा नहीं, बेहतर है कि हम रात में यहीं क़याम करें। तो उमर साहब ने कहा ऐसा नहीं ठहर सकते, हमारे साथ सर है और सरों की हिफाजत है, हमारे साथ कैदी है। जालिम कहता है कैदी है। उसने कहा कि मालूम करो कहीं किसी का कोई घर है तो हम वहां जाके आज की रात कयाम कर लेंगे, ऐसा ओपन नहीं रह सकते। तो जालिम शिमिन मालूम किया, करीब में एक बहुत बड़ा महल था, एक बहुत बड़ा खसर पैलेस था। पूछा ये किसका महल है, तो कहा ये किसी एक खातून का महल। वो गया और जाकर उस महल की जो मालिका थी उसको बुलाया, बुला के कहा, वो बीबी पर्दे के पीछे आई। आने के बाद जालिम शिमिन कहता है कि मैंने जाके बात किया, मैंने कहा कि बीबी हम हुकूमत के लोग हैं, यजीद के लोग हैं, यजीद का लश्कर हमारे साथ है, हमारे साथ कैदी हैं और कुछ सर हैं, हम चाहते हैं कि आज की रात तेरे महल में ठहर जाए, तू इजाजत दे दे। उसने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगी इजाजत, पहले मैं सरों को देखूंगी किसका सर है। दोस्तों, उसके बाद शिमिर जालिम पूछता है बीबी तेरा नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम शीरीन है। बस दोस्तों, उसने कहा कि ठीक है मैं सरों को देता हूँ। सबसे पहले उसने मौला हुसैन के सर को शीरीन को दिया।
दोस्तों जैसे शिरीन ने हुसैन के सर को देखा चीखे मार के रोने लगी, उसका जुमला कयामत का था। उसने कहा कि मुझे ऐसे बड़ा जाना पहचाना सर मालूम होता, ऐसे महसूस होता जैसे मैं इस शख्स से कभी मिली हुई हूँ। उसने कहा मैं जरूर रखूंगी, इसलिए कि मौला हुसैन के सर में वो मजलूमियत थी, वो गुर्बत थी, वो प्यास थी, वो बेकसी थी। बस मैं मजलिस खत्म करा, काफिला रोका गया, सैदानिया एक गोशे में जाके बैठ गई। शिरीन बिठा के जब जाने लगी तो बीबियों में से एक बीबी ने जनाब ज़ैनब से कहा कि बीबी आप शिरीन से कहिए कि जो सर हमारे वारिसों के रखे हुए हैं, आज की रात हम यहाँ ठहरे हुए हैं, जब से हमारे बच्चे शहीद हुए हमने किसी बच्चे का मातम नहीं किया, ये सर हमको दे दे कि आज की रात हम अपने बच्चों का मातम कर ले। बीबी ज़ैनब ने शिरीन को बुलाया, बुला के कहा तू बड़ी मेहरबान मालूम होती, इतनी मेहरबानी और करके हमारे वारिसों के सर ये सर हमको दे दे। उसने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। उसने सबसे बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, सबसे पहले जनाब अली अकबर के सर को उठाया। जैसे ही उठाया लैला ने हाथों को फैला के कहा अरे मेरा 18 बरस का लाल था, शादी के अरमान थे, मेरे बेटे का सर मेरे लाशा आया, पहली मर्तबा माए अपने अपने बच्चों के सरों को ले रही थी, खासिम का सर उठाया, उम्मे फरवा आगे बढ़ गई, और उसके बाद अली असगर का सर उठाया, रबाब ने लेके सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल मैं जिंदा कैसे रहूं, तुम्हारा झूला भी जल गया, तुम भी नहीं रहे। उसके बाद उसने अब्बास के सर को उठाया, बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ गई, अजीजों आखिरी में शीरीन ने हुसैन के सर को उठाया। जैसे ही लाके बीबी ज़ैनब को दिया, बीबी ने कहा हाय हुसैन। शीरीन चलते चलते रुक गई, रुक के कहा देखो ये नाम लेके नहीं रोना, ये मेरे आका हुसैन का नाम है। तो ज़ैनब ने कहा अब्बास के भाई, फिर शीरीन रुकी, रुक के कहा ये नाम भी नहीं लेना, ये मेरे आका के भाई का नाम है। बस मजलिस खत्म कर दी मैंने। उसके बाद ज़ैनब ने कहा कि अली अकबर के बाबा, शीरीन ने रुक के कहा बीबी ये कौन हुसैन है और तुम कौन हो? कहा शीरीन ये फातिमा का लाल है, अरे हमारा घर उजड़ गया, मैं ज़ैनब हूँ, ये उम्मे कुलसूम है। शीरीन सर पीटने लगी कि मौला हुसैन आपने वादा किया था आने का, लेकिन ऐसा वादा नहीं। सर लेके मुंह पीटने लगी कि हाय क्या गजब हो गया। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता, हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर, बीबी ज़हरा की बारगाह में यह मजलिस कबूल हो जाए, यह मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। आज शब जुमा सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे, जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर दे और रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमा, सारे बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह ये सालम ज्यादा से ज्यादा मौला हुसैन का जिक्र करे, और जब भी जिक्र हुसैन करें उस जिक्र को बीबी फातिमा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दे। हमारे इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा कैसर भाई और अपने अपने मरहूमीन, आज शब जुमा है, सारे मरहूमीन बिलखसूस कैसर भाई मोहिब्बान पंजतन के जो ट्रस्टीज है जो इंतजामिया है उनके मरहूमीन के लिए भी पढ़ते।